देखो रेडी है, एक बैग कैरी कर रहे हैं और ये मेरे आउटफिट हैं, येलो कलर की टी शर्ट और उसके ऊपर ट्राउजर और सर के आउटफिट सभी का। आज की आउटफिट हमारी ये है। हाँ तो निकाल लीजिए, स्कूटी की चाबी ले ली। हाँ चाबी भी ले ली है। ले ली है तो बाहर निकलो। आपके पास है क्या चाबी? तो तुमने तुमने बोला ना तुमने ले ली। देखते हैं किसके पास है यार चाबी है। ये तो गाड़ी की स्कूटी वाली का है। तो अभी निकलने का टाइम हो गया है तो हम लोग अभी निकल रहे हैं। मास्क वास्क हमने ले लिया है अपना, क्योंकि मास्क बहुत ज़रूरी है भाई, मास्क के बिना कोई काम होगा नहीं। मास्क ले लिया है, निकलते हैं। का नंबर के बिल्कुल सही है, इसमें सारी सेटिंग हमने करा रखी है, चार्जिंग वगैरह के पोर्ट वगैरह सब। और अभी निकलने का हो रहा है रेडी, तो चलो फिर चलते हैं। चले इसका वो खोलो, बैग बैग रख लेते हैं। हमने ताज महल के लिए मास्क वास्क सब लगा ही लिया। चले फिर, चलो फिर चलते हैं गाइस। हेमंत दाहल सुबह 6 बजे निकल चुके हैं आगरा ताजमहल देखने के लिए। लगभग 7 बज जाएंगे जाते जाते, क्योंकि हमारे राघवेंद्र को भी ऑन दी वे पिक करना है। सीधे चलते जाइए, थोड़ा सा रास्ता नहीं मालूम है हेमंत को। तो चलिए गाइस, चलो फिर आगे चलते हैं। राजा की मंडी, रेलवे स्टेशन, राजा की लंबी कॉलेज। वाह, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, सीधे सीधे।
टाइम के पास जा रहे हैं, बस पहुँचने ही वाले हैं, फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे ताज महल के लिए। टिकट वगैरह हमने ऑलरेडी बुक कर ली थी, चुके हैं राघव सर के घर पे, और राघव सर भी रेडी हो गए स्कूटी लेके, और विकास तो है ही साथ में। चलो फिर चल चल चलो निकलते हैं। नहीं नहीं मैं अपनी स्कूटी पे बैठूंगा, कहीं यहीं छोड़ के चले जाओ। राघव के साथ दिखा देता मैं, घर का फाड़ दू। राघव आगे जा रहा है। अरे राघव तेरे साथ बिठा ले इसको। नहीं नहीं नहीं। अरे कंटेंट मिलेगा तेरे को, एक्स्ट्रा कंटेंट कि मैं देखो नई स्कूटी पे बैठा हूँ। क्या हाल है सर? राघव सर बढ़िया हो? और क्या चल रहा है? सर की यूपी नंबर की स्कूटी। आगरा के लोकल गाइड मिस्टर राघव, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ घूमने आए तो आपको पूरा आगरा अच्छे से घुमाएंगे। इनकी ज़्यादा फीस नहीं है, बस 15,000 चार्ज करेंगे पूरा ट्रिप का। बहुत ही अच्छे हैं, होनार, पढ़े लिखे नौजवान युवा। पहुंच गए हैं गेट के पास में, और अभी हमें पार्किंग नहीं मिल रही, और हम पार्किंग की जगह ढूंढ रहे हैं आसपास में जहाँ पे हम इजीली अच्छे से पार्क लगा सकें, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वगैरह में भी उठा सकती है, क्योंकि हमारे बाहर का रहता है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हमें कहीं से पार्किंग मिल जाएगी, फिर उसके बाद हम एंट्री करेंगे। आप लोगों को दिखाते हैं, ये सर हो गए रेडी दोस्तों। तो हमारे गाइड ने बड़ा अच्छा गाइड किया, आप भी इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये मेन गेट, ये गेट यहाँ से हम जा रहे हैं अंदर, तो अभी सीधे से निकलते हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है, आराम से मास्क लगा के, काफ़ी बढ़िया गेट है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी हम लोग आ रहे हैं, सुबह का टाइम हो चुका है। बड़ा बढ़िया जगह है, और आगे आगे चलिए, ये लोग जा ही रहे हैं विकास सर लोग। सर कुछ बताइए यहाँ के बारे में, क्या कुछ जानते हैं आप अच्छे से? मैं कुछ नहीं जानता, पहली बार आ रहा हूँ। तो हमारे गाइड अभी पहली बार आ रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है। पहला एक्सपीरियंस है मेरा खुद का। गाइड पहले बन गए, किताबों से गाइड बन गए। ये डिग्री मैंने पहले ली है और इसकी पढ़ाई में आप किताबों से ज्ञान लेके अच्छा बन सकते हो। आपको पता होगा जैसे सारा नॉलेज आप जैसे कॉलेज में ले पाते हैं। ठीक है ठीक है, कर रहे हैं और पढ़ लिया, प्रैक्टिकली देखेंगे। और ये बच्चे भी यहाँ पे भर्ती की प्रैक्टिस करने आते हैं। ये पूरा गार्डन है,
ये देखो फोटो शूट चल रहा है बच्चों का। का टाइम है, कहीं पे भक्ति की तैयारी चल रही है और कहीं पे गेम खेला जा रहा है और लोग वॉक कर रहे हैं, बंदर भी यहाँ से नॉर्मली टहल रहे हैं। काफ़ी बढ़िया माहौल रखा है यहाँ पे, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है सुबह घूमने के लिए। और अभी हम मेन गेट के ऊपर अभी आए हैं, ताजमहल पश्चिम द्वार, हम पश्चिम द्वार द्वार के साइड पर यहाँ पर लिखा हुआ ताजमहल पश्चिम द्वार गेट। यहाँ पर हर बंदर कोई ना कोई टिकट देखता हुआ आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। तो अभी आप देख रहे होंगे गाइड चाहिए, गाइड है, गाइड है, गाइड है, गाइड है। सो गाइड हमारे पास है ऑलरेडी, तो यहाँ पे ऐसे बंदे आपको मिल ही जाएंगे, कोई गाइड करने वाला है या कोई टिकट कराने वाला है आपको इजीली मिल जाएंगे। सो इसीलिए अच्छी जगह में से हम लोग आए, तो इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कार महल में प्रतिबंध है, वीडियो ये सब यहाँ पे डालता है नहीं, यहाँ पर मिल जाएगा आपको। सो अभी यहाँ पे पूरा काउंटर वगैरह है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को। सो ये है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये घाट है और इधर से हम लोग आए हैं। और ये है मेन गेट, तो हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कितना प्यारा माहौल है, पूरा भीड़ लगी हुई है, टूरिस्ट आ रहे हैं। सो और ये नो मास्क नो एंट्री के बोर्ड वगैरह भी यहाँ पे लगे हुए हैं, और खाने वाना नहीं हो तो जा सकते, खिलौने नहीं हो जा सकते, लैपटॉप मास्क वगैरह माइक वगैरह यूज करने नहीं हो जा सकते, ड्रोन वगैरह नहीं हो जा सकते। लगभग ढेर सारी यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है जिनको हमें फॉलो करना रहेगा और ज़्यादा डिटेल आपको मिल जाएगी। और ये बड़ा ही प्यारा है, बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, मतलब स्ट्रक्चर है इसका, बिल्कुल मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये यहाँ पे खाने का प्रोग्राम चल रहा है, कोई प्रोग्राम नहीं है, हो जाए तो पता ना चलना है, चल रहा है घर पे। अभी हम अंदर आ चुके हैं, सिक्योरिटी वगैरह कंप्लीट होने के बाद में गेट के अंदर एंट्री हो चुकी है, तो नज़र आ रहा होगा अभी आप देखिए कितना खूबसूरत है, मन खुश हो जाएगा आपका। अभी हम ये फ्रेश करवाते हैं, बनाई नहीं है, अभी आप लोगों को दिखाते हैं कितना अच्छी जगह।
ये देखिए क्या खूबसूरत है, वहाँ पे ताजमहल आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है, ये यहाँ पे हमारे गाइड हमें गाइड करेंगे। सर बताइए कुछ हमें, ये ग्रीनरी है, ये पेड़ है और ये कुछ है। ओके ओके, और हमें ये बताइए कि ये यहाँ फोटोग्राफर भी आपको अवेलेबल मिलेंगे। सर ये कौन सी एम्ब्रॉयडरी कर रखी है? मैं गाइड चाहिए क्या तेरे को, ये बताओ तेरे ब्लॉग सही बन जाएंगे, एक नंबर। नहीं गाइड है मेरे पास, ऐसे मत बोल, यहाँ वाले गाइड वाले हो जाएंगे, बोले वो बोलेंगे हमारे इलाके में काम जाएगा, किसी ने लाइसेंस मांगी है तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दो। तो चिल्ला चिल्ला के क्या व्यू आ रहा है, हमारे पास गाइड है, हमारे पास फोटो निकाल। इतना खूबसूरत जगह है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतनी खूबसूरत जगह है ना, इतना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना प्यारा है कि आप इसके अंदर को भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा पेंट कर रखा है। मुझे सबसे अच्छा पत्थर लगता है तो यहाँ पे यूज़ हुआ है, बड़ा लग रहा है ना बहुत, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेन ये भी गेट ही है, अभी ज़्यादा डिटेल मुझे इतना मालूम तो नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, अच्छे से घुमाता हूँ। यहाँ पर पूरा काफ़ी ज़बरदस्त लगेगा देखने में। Thank you.
हम पहुंच चुके हैं ताजमहल, बड़ा ही प्यारा लग रहा है यहाँ से, मन खुश हो गया बिल्कुल। और ये हमारे गाइड और हमारे प्रिय मित्र हमारी फ़ोटो लेते हुए हमारे हैप्पी ब्लॉग बना रहे हैं, या तो कंटेंट क्रिएटर काफ़ी बढ़िया लोग हैं। यहाँ पर उतार रखा है तो तो चलो दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं, इधर काफ़ी बढ़िया लग रहा है घूम के। अभी हमने डिसाइड किया कि आगे चलते हैं। तो विकास मुझसे पूछ रहे कि तेरे तो 20-30 ब्लॉग्स हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ भाई एक दिन का 50 होता है, ऐड करते फिर एक कंप्लीट वीडियो होती है, वो तो छोटी छोटी क्लिप्स होती है ना, वो ब्लॉग्स नहीं होते हैं। कभी 15 मिनट हो जाती है, कभी 1 घंटा हो जाता है, कभी आधा घंटा। नहीं वो वेस्ट करता है कि आप घूमने भी कहाँ जा रखे हो, मतलब आप कितना डिटेल दे रहे हो किसी को। 1 मिनट की बना दी ज़्यादा से ज़्यादा। और ये पूरा यहाँ पे गार्डन है भाई साहब, छोटी क्लिप बना रहा हूँ। छोटी छोटी क्लिप मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि फिर एक बड़ी वीडियो बन जाती है। अगर मैं छोटी छोटी बड़ी बड़ी वीडियो बनाऊँगा तो फिर काम ही चला जाओ तुम ऐसे बैठो। तू जाए जा, मैं तेरे पीछे से बनाता हूँ। तू धीरे क्यों जा रहा है? तू धीरे क्यों जा रहा है? अरे सुन ना, हाँ। यार ऊपर नहीं चढ़ पाएगा ऐसे डायरेक्ट। तू आगे चलते जा, मेरे को दे दे, मैं बनाता हूँ तेरी वीडियो। अपना कंटेंट खुद ही बनाता हूँ, किसी का क्रेडिट नहीं। क्या कहते हैं उसको, कंटेंट? नहीं नहीं, मैं तो कंटेंट बोल, क्या बोलते हैं उसको, हाँ मैं तो महत्वाकांक्षी नहीं, उसको बोलते हैं आत्मनिर्भर। हमारा आत्मनिर्भर सब कुछ अपने आप, कंटेंट भी खुद ही बनाता है, फोटो भी खुद ही लेता है, वीडियो भी खुद ही बनाता है और अपलोड भी खुद ही करता है। और इसके सारे चैनल भी हैं, वीडियो एडिटिंग के, फोटो एडिटिंग के। राम राम से पहले
परफेक्ट फ्रेम है यहाँ से, यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट फ्रेम आ रहा है, लेकिन भीड़ की वजह से मैं परफेक्ट ले नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा परफेक्ट उठाने के लिए। लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है? अभी मैं आपको एक परफेक्ट फ्रेम लेके दिखाता हूँ जहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे फोटोग्राफी भी चल रही है। तो लगा लगा काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ। अभी काफ़ी वीडियो वगैरह आप भी हो चुकी है, फोटोग्राफी भी हो चुकी है, अब हम चलते हैं अंदर, वहाँ पे जाएंगे देखने के लिए। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, तो अंदर जाएंगे, अंदर अंदर का भी हो सकता है अगर शूट करने का मौका मिला तो शूट कर लेंगे, उसमें कोई इशू है नहीं, तो आप लोगों को दिखाएंगे। सिक्योरिटी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, और मैं थोड़ा सा नज़दीक से आपको व्यू करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। कब
सामान टिकट धारक के लिए उच्च मूल्य टिकट धारक के लिए हमको बता रहा है सर। कहाँ रह जाते हो आप लोग? अभी ये हमारे डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे कुछ, और काफ़ी मन खुश करने देने वाला दिन है आज, बहुत प्यारा लग रहा है। अभी यहाँ से और नज़ारे लेते हैं, देख रहे होगे यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है ताजमहल। कौन दे रहा है वो तो मशीन लगी हुई है। हेलो 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 यमुना पार की डुबकी मार आया है। इसी साइड से देख रहे थे, वहीं से फोटो शूट कर रहे थे हम लोग, वो किले वाला रोड देख रहे वहाँ से ही कर रहे थे। और वो जो मैं बता रहा था वहाँ से बैठ के देखता था। ताजमहल यमुना जी के किनारे पे
है, ये है यमुना जी। हाँ वो कौवे वो बहते हैं यहाँ तक, तो मतलब वो तेरी बाउंड्री बन गई, वो बन गई बाउंड्री। हाँ अच्छा, तो मतलब आ ही नहीं सकते? आ सकते हैं, लगा हुआ है ना वो उनका वो ऊपर वाला बंदूक लेके बैठा हुआ उधर। अभी हमें जाना है अंदर ताजमहल के, इसीलिए हमने जूतों में तो ये डाल लिया वाइट वाइट कलर के, ये पहले से। अभी हम अंदर जा रहे हैं, स्कैन कमाने के बाद जाएंगे, अभी हम किसी भी मिले जी, उसके बाद हम लोग अंदर चले जाएंगे। हम जा रहे हैं ताजमहल के अंदर, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टिकट लेनी होती है, फिर वहाँ पर स्कैन होता है, वो हमने करा लिया है। अभी हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं कितने अच्छे से हम वीडियो क्रिएट कर पाएंगे, आप लोगों को दिखाते हैं।
नीचे वो होंगे ना पहले मार्क बना रहे मॉस्किट मारते होंगे फाइनली आ गए हैं ऊपर। अभी यहाँ से आपको व्यू तो काफ़ी कैसा है, काफ़ी अच्छा व्यू आएगा। तो हमने डिसाइड किया हम घूमने चल रहे हैं थोड़ा सा आसपास में, घूमते आराम से अंदर जा सकते हैं। अंदर चल के आते हैं, अंदर घुस अंदर चलते हैं, फिर अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं, फोटो वगैरह ले लेंगे। क्या मजा, कुछ नहीं होगा, अंदर जाने देंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है, अंदर तो जा ही सकते हैं। तो फोटो अलाउड नहीं है, फोटो अंदर मना है ना, अंदर फोटोग्राफी मना है, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं ना राघव सर, बाहर खड़े होकर फोटो ले लेना, हम अंदर जा रहे हैं, है ना, यही सही रहेगा। इतना डर डर की क्यों जा रहा है, ब्लॉगर है, मजाक थोड़ी है, जान हथेली पे लेके चलते हैं। आ चुके हैं फाइनली, काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, फोटोग्राफी लेने के लिए। ये तो खैर यहाँ के कारीगर जानते हैं।
पहचान छोड़ना चाहते हैं पर ये देखिए इनको कैसे घूम रहे हैं ये आमने सामने खड़े हैं हम यस रुक जा मैं तेरे को गोल गोल घूम ऐसे ही रुक जा बनती है ना बहुत लोग उनके वीडियो वैसे बना दी खुश रहे ना आप तो अब मुझे सबसे अच्छा ये काम लगा है देखो ये जो इन पे हो रखा है पहले मैं ब्रेक पास करना उसके बाद में तो कैसा लगा सर आप लोगों को अपने आज सुबह है
जाता हूँ फोटो। सर ये ना अभी रिपेयर नहीं कराया पता है, देखो तो गाइस ये देखिए हमारे ब्लॉगर साहब पानी पी रहे हैं। पानी पीता हुआ ब्लॉगर आपने आज पहली बार देखा होगा।
Thank you.
दोस्तों बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा अपना अपना सा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूम के। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। यहाँ से नहीं जा सकते, आओ देखते हैं यहाँ से जा सकते कि नहीं जा सकते। वाह कितना प्यारी जगह है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई, मेरा बहुत टाइम से मेरी तमन्ना थी कि मैं यहाँ पे जाऊँ और फाइनली मैं पहुँच गया। फिर अभी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। मेरे फ्रेंड लोग भी मेरे साथ में, दोस्त थे सभी साथ में, उस वजह से तो और भी काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी अभी होने लगी है क्योंकि कोरोना की वजह से ये सब ओपन नहीं था, लेकिन अभी ओपन होने लग गया है तो उसकी वजह से बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और फोटोग्राफर यहाँ पे गाइड भी मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छा है, बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ से सबसे अच्छा व्यू आता है, यहाँ से एक जगह से सबसे प्यारा व्यू आता है ताजमहल का। आपको नज़र नहीं आ रहा हो शायद, अभी आया, अभी आप देखो। सो यहाँ से इस पॉइंट से सबसे अच्छा व्यू आता है यहाँ पे। और मैं तो यही बोलूँगा कि अपना भाई कभी भी आओ, अच्छे से टिकट वगैरह बुक करके अपना सेफ्टी के साथ में आओ, अपना ख्याल रखो और जितना ज़्यादा हो सके अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी है। और हम मैं चाहता हूँ कि हम अपनी संस्कृति को और आगे लेके जाएं। सो इसी के लिए ये मेरा पहला कदम था कि मैं हम यहाँ पे आए आगरा में, अच्छे से शूट किया। और मैं और जगह भी तैयारी कर रहा हूँ जाने के लिए, ऐतिहासिक जो जितने भी हमारे यहाँ पे हैं प्लेसेस हैं वहाँ पे जाने के लिए। काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को मेरी वीडियो में, हो सकता मेरी वीडियो में ज़्यादा नॉलेजेबल ना हो, लेकिन मैं यही दिखाता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना लोगों को दिखा सकते हैं। मीन्स किसी जगह के बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स में मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं दिखा सकता हूँ कि हम अच्छे से ये दिखा सकते हैं। मेरी जितनी भी वीडियो होती है वो काफ़ी लंबी होती है, लेकिन उसमें आपको डिटेल में सब कुछ मिलेगा, मतलब आप पूरा घूमेंगे, एक एक कोना मैंने कवर किया हुआ मिलेगा लगभग, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा भी लगेगा। तो दोस्तों अभी आप देखिए यहाँ से कैसे लगेगा। यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। आज के लिए अभी जाता है।
हो गया या एक बार और अंदर जाके आना? अभी हमने वो ले रखी है टिकट, आया हमारे पास। तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं, हम घूम चुके हैं पूरा अच्छे से। सो बाय बाय दोस्तों, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, दिल से मेरा मन खुश हो गया। बड़ी प्यारी जगह है, और आप आएंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। सो देखिए गाइस, हैप्पी ब्लॉग्स फोटो शूट करवाते हुए अपना। ओहो, ये पोज क्या मारा है देखिए, ऐसे झटका सा साइड में, थोड़ी सी लचक सी ली है। मर जाना, स्माइल कर दिया इन्होंने। ओए होए, पीली चश्मा पीली टी शर्ट। एक बार चेक कर, सही आ रही है अच्छे से ले, एक बार इस फोन में भी दिखा। ये देखिए गाइस, हेमंत का पोज देखिए जरा, ऐसे लगता है कि भाई खुद का ही कुछ क्रिएट करके निकाल के लेके आते हैं, कुछ नया कंटेंट, कुछ नया आपने आज तक ना देखा हो। वही पीले चश्मे के साथ, पीली स्वेटर के साथ, ये अलग ही, अलग घड़ी के साथ और नीले जूते, ये स्माइल में कुछ अलग ही बात है, कहीं नहीं देखी होगी ऐसी बात। चलो शर्मा गए, चलो ठीक है, ओके। देखो देखो गाइस, ये कंटेंट क्रिएटर हेमंत धायल हैं, काफ़ी लोग जानते नहीं हैं इनको, बट अपनी पहचान बना लेंगे जल्दी। किस तरीके से देखते हैं भाई, बहुत प्यारा, मुझे मेरा तो मन खुश हो गया। अभी सर का पता नहीं क्या खुश हुआ है, मन खुश हो गया, मन खुश हुआ था, मन खुश हो गया, ऐसा लगता है तृप्ति मिल गई बोल रहे हैं। चलिए, बहुत ज्यादा नजदीक आ गए ताजमहल का। ये तो कुछ करना चाहते हैं, ये अपनी एक पहचान छोड़ना चाहते हैं इस देश पे, यही है वो, ये देखिए कुछ तो करके जाएंगे। आमने सामने खड़े हैं हम। अरे हेमंत रुक जा, मैं तेरे गोल गोल घूमता हूँ, ऐसे ही रुका रह। तो बहुत बढ़िया,